हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग साइंस के चैप्टर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में जो हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने कॉपर की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ हीट की प्रेजेंस में, तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो बनी 2Cu+O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2CuO। ठीक है, तो कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इसी टाइप से जब भी हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमेशा उस मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। यहाँ पे कॉपर की जगह हम कोई और भी मेटल ले लेते और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बन जाता। तो अब बात करते हैं मेटल की दूसरी रिएक्शन की। तो जो दूसरी रिएक्शन है इसकी वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वॉटर। तो जब भी हम मेटल और वॉटर की रिएक्शन करवाएंगे आपस में तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम पोटेशियम मेटल ले लें और उसकी रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और साथ में हीट भी लिबरेट होगी। ठीक, तो हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी 2K+2H2O गिव्स 2KOH+H2+हीट। ठीक है, इसी टाइप से हम मेटल और वाटर के बीच में जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं बाकी एग्जांपल्स में भी। तो यहाँ पे हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और साथ में हीट। इसी टाइप से हम दूसरी रिएक्शन देखें तो हमने यहाँ पे कैल्शियम लिया है, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन हो गई 2Na+2H2O गिव्स 2NaOH+H2+हीट। ठीक, इसी टाइप से अगर कैल्शियम वाली रिएक्शन देखें तो Ca+2H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो बात करते हैं मेटल्स के नेक्स्ट रिएक्शन की। तो जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो जब भी हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एसिड लेते हैं वो हम डाइल्यूटेड एसिड लेते हैं। ठीक, तो अगर एग्जांपल के लिए अगर हम मेटल लें जिंक और एसिड ले हम H2SO4 और इनकी हम आपस में रिएक्शन करवा दें जिंक की और हाइड्रोजन सल्फेट की, तो ये रिएक्ट करके बनाएगा जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी Zn+H2SO4 रिएक्ट टू गिव Zn+SO4+H2। तो अब बात करते हैं मेटल की नेक्स्ट रिएक्शन की। तो जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो अगर एक मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या रिएक्शन होगी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मेटल ए लिया, उसको रिएक्ट कराया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ, तो मेटल ए रिएक्ट करेगा जब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ तो रिएक्ट होके बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल ए था वो चेंज हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए में और जो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी था वो चेंज हो गया मेटल बी में। ठीक, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए कॉपर को रिएक्ट करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जब इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट और साथ में सिल्वर रिलीज हो गया। ठीक, तो हमारी रिएक्शन जो थी वो हो गई Cu+2AgNO3 जो कि आपस में रिएक्ट होने के बाद बन गया CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो अगर हम नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो उसके साथ रिएक्ट करके कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है कि वो वाटर को दें और वो फिर हाइड्रोजन में चेंज हो जाए। तो इसलिए जो नॉन मेटल्स होंगे वो जब भी वाटर के साथ हम उन्हें रिएक्ट करवाएंगे तो वो कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर सो हाइड्रोजन गैस कैन बी रिलीज्ड। तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड्स। ठीक है, तो जब भी हम नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे
तो ये मेटल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो मेटल के केस में मेटल उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता था, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और नॉन मेटल होता है वो एसिड में जो एच आयन प्रेजेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकता ताकि वो कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन गैस में। इसलिए जब भी नॉन मेटल की रिएक्शन होगी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो बात करते हैं नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, उसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम ब्रोमाइड के साथ। तो इसके साथ रिएक्ट होने पे ये बना सोडियम क्लोराइड, साथ में ब्रोमाइन हमें मिला। ठीक, तो ये हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया ये शो करने के लिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करते हैं। तो अब इसी में हम एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस टाइप से वो अपने जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास सोडियम है तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में जो होता है हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और इसी टाइप से अगर हम क्लोरीन का देखें तो उसका जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्लोरीन के पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, डोनेट कर देता है ताकि ये खुद भी स्टेबल हो जाए और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाए और ये आपस में एक बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि सीएल ने एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये आपस में दोनों चार्ज मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इसलिए इसमें कोई इफेक्टिव चार्ज नहीं रह जाता। तो Na जब भी Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl। ठीक, तो इस हिसाब से जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो आई होप आज हमने जो भी चीजें डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।